और ये हमारे नेबर साहब और ये व्लॉग काफ़ी अर्जेंटली बना रहा हूँ मैं, क्योंकि हाँ मैं अपने फ्लैट से मूव आउट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ मैं पीजी में, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज और स्किन इन्फेक्शन की वजह से मेरे को यहाँ से पानी सेट नहीं आ रहा, इसलिए मेरे को यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। क्योंकि घर वालों ने मेरे को स्ट्रिक्टली सिर्फ दो चॉइसेस दी थी जब मैंने बताया कि ये सब हो रखा है, तो बोलते कि या तो पीजी में शिफ्ट हो जा या फिर हॉस्टल में वापस चला जा। मैं अब हॉस्टल में तो वापस जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इतनी मुश्किल से पीछा छुड़वा के आया हूँ हॉस्टल से, और वापस इतना मेरे से पंगा नहीं होता अभी। फिर कल रात को मैंने सारा सामान पैक कर लिया, क्योंकि अर्जेंट कल रात को ही डिसाइड हुआ शिफ्ट करने का, और आज सुबह मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। और ये सारा देखो सामान वगैरह हमने पैक कर रखा है, लेके कम आए थे, और यहाँ पे आने के बाद कुछ सामान खरीद लिया तो लेके ज़्यादा जा रहे हैं, देखते हैं। अब अभी ये पंखा निकालना है ये पंखा भी निकालना है, ये जब ये लोग फ्लैट से शिफ्ट करेंगे ना तब निकाल लेंगे, देख लेंगे कोई नहीं। और ये वाईफाई का भी देखते हैं क्या करना है। पोर्टर बुक करवाया है, अभी आ रहा है थ्री व्हीलर, वो आएगा नीचे, सामान वगैरह नीचे लेके जाएंगे, रखेंगे, फिर पीजी का भी आपको थोड़ा रूम टूर वगैरह दे देंगे वहाँ पे जाके। और इन सब में मेरी हेल्प कर रहा है पंकज, ये इसको आपने पहले शायद देखा होगा किसी ब्लॉग में, मेरे ख्याल से तो नहीं देखा, देखेगा एक बार आया है। अरे तुम लोगों ने उसमें क्लास वाले ब्लॉग में देखा होगा इसे, लैब में जब क्लास में हम ब्लॉग कर रहे थे उसमें दिखा होगा आपने इसको। तो गाइस इतना सारा सामान है, और ये हमारे लेबर साहब पसीना निकल रहा है। ये पूरा हमने कर दिया है शिफ्ट, पर ये उतार रहा है पर्दे। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए अभी से एक अंडा पार रखा है यहाँ पे। किसका अंडा? ये कबूतर का है भाई। देखो ये लड़कों की बैचलर लाइफ होती है, कभी भी शिफ्ट करना पड़ता है, कभी भी शिफ्ट कर। देखो इतना सामान हो गया अपना, ये देखो। और अभी हम पीजी की लिफ्ट के बाहर खड़े हैं, और एकदम पीजी की लिफ्ट का नज़ारा देखो तुम लोग। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको एलेक्स पे बेच देते हैं, वहाँ बेचते हैं भाई, बेचते हैं, करते हैं, सारा ही बेच देते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं सामान का थोड़ा बहुत। यहाँ से डाउट हो रहे हैं, हमारे शिफ्ट होते ही यहाँ पे तूफान आने शुरू हो गए। टाइम लैप्स लगाने में कितना सही रहेगा ना, यहाँ पे रख देना इधर फोन छाता लगा के रख दे छाता। अरे वो मिल जाए वो बंद कर भाई, बंद ना, बंद हो गया, हवा अंदर करवा दे, हवा भरा तो सही है। सामान वो कर रहा था, क्या बोलते हैं, अरेंज कर रहा था, वो भी सारा काइंड ऑफ बिखर चुका है। और तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे सो रहा हूँ, कि मेरे पास जो गद्दा था ना जो मैंने ऑर्डर करा था, यहाँ पे भी गद्दा मिला, वो गद्दा भी था मेरे पास, उसको मैं फेंक रख के तो या फिर फेंक के तो आ नहीं सकता था कहीं पर। तो मैं सोचा कि ले आया जाए, तुम लोगों ने देखा ही होगा पिछली क्लिप्स में कि मैं गद्दा साथ में लेके आया, तो वो गद्दा मैंने बेड पर डबल गद्दा रख रखा है, समझ रहे हो, मतलब 5 इंच का गद्दा ऊपर है, 5 इंच का गद्दा नीचे है, यानी 10 इंच के गद्दे पे सो रहा हूँ मैं, और काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल हो जा रहा है कई बार। तो मैं सोच रहा हूँ उसको कहाँ रखूँ यार, कहाँ जुगाड़ करा जाए उसको। वैसे मेरी बालकनी से तुम लोगों ने व्यू तो देख ही लिया होगा, देखो ठीक है। अभी
चक्कर सुखाई है मैंने टाइम लैप्स के बीच में आके, दिमाग ख़राब हो रखा है कई बार ऐसे, मतलब दिमाग चलना ही बंद कर जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, पता नहीं आजकल हो जा रहा है। और जो लोग पूछ रहे थे भाई तबीयत कैसी है, बढ़िया है भाई, अब पहले से बेहतर है, खाना ठीक ठाक ही मिल रहा है यहाँ पे, कि ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकता मैं गुजरात में, मतलब हाँ गुजरात का खाना अच्छा होता है ज़्यादा, मतलब गुजराती वो ऑफेंड मत हो जाना, हाँ ऑफेंड मत हो जाना, यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ खाना अच्छा मिला नहीं है, ठीक है, जहाँ भी मैं गया हूँ एवरेज फूड ही रहा है, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, बस कच्छ में मेरे को खाना अच्छा होता था, मेरे को अब तक याद है वो पंजाबी ढाबे पे क्या लाजवाब खाना था वहाँ पर। मैं कुछ करने वाला था यार, कुछ बोलने वाला था, ब्लॉग में भी कुछ बोलने वाला था, पर नहीं नहीं भूल गया मैं टाइम लैप्स बनाते बनाते, और कुछ टाइम लैप्स बनाने में टाइम भी बहुत लग जाता है, क्योंकि 32x पे कर रखा है, तो वो 3 मिनट की वीडियो जाके उसके बाद कोई 2-3 सेकेंड बनते हैं ऐसे कुछ है। हमारे आगे रिफाइनरी है, पता नहीं किस चीज़ की है, मेरे को भी नहीं मालूम, सारी रात चलती रहती है। और ये रहा हमारा व्यू, जंगल, जंगल ही बोल सकते हैं, क्योंकि आजू बाजू तो पानी भरा रहता है ना, तो यहाँ पे हरियाली बहुत है, पानी बारिश आता है, नदियाँ बहने लग जाती हैं। ये वही है जगह है जहाँ पे तुम लोगों ने रील्स में भी देखा होगा, सुमंदीप डूब चुका है, वो डैम खोलते हैं तो यहाँ पे पानी सबसे पहले भरता है, वहीं पर आके रुका हूँ मैं, मेरे को एक्सपीरियंस करना भेजा जाएगी। और हाँ, DM करने में शर्माना मत, हम किसी को जज नहीं करते।